दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े कुछ बेहद मजेदार तकनीकों और मशीनों की जानकारी जो वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। मूले कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स। अभी भी अधिकांश देशों में ईंटों के माध्यम से घर तैयार किया जाता है, मगर कुछ देशों में ईंटों का आकार काफी बड़ा होता है घर बनाने के लिए। ऐसे में अगर मिस्त्री घर बनाने के साथ साथ उन भारी भरकम ईंटों को भी उठाने लगे तो वो काफी जल्दी थक जाएंगे और काम समय पर नहीं हो पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कमाल की रोबोटिक भुजा भारी भरकम ईंटों को पकड़कर उन्हें उठाकर दीवार पर सटीकता से लगाने के काम में मिस्त्रियों की मदद करती है। हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करने की भुजा पीछे एक मुख्य मशीन से जुड़ी होती है जहां से इसे ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ये रोबोटिक भुजा तामझाम से मुक्त होती है और सदैव मिस्त्री के आजू बाजू लटकाई जा सकती है, जिस कारण जब जब मिस्त्री को इसकी जरूरत पड़ती है तो वो इसे अपनी तरफ खींचकर ईंटों में फंसाकर उसे उठाकर उसे चिनाई की जाने वाली जगह पर बड़ी सटीकता से रखने का काम कर लेता है। और इस प्रकार की क्रांतिकारी तकनीक को इस्तेमाल करने के कारण मिस्त्री थकता भी कम है, जिससे वो काफी लंबे समय तक काम करने में सक्षम होता है और वो भी काम को बड़ी सफाई के साथ करते हुए। ट्रिगोना डक्ट कवर। अक्सर आपने अब तक कई प्रकार के गटर के ढक्कन देखे होंगे, मगर इस प्रकार का ढक्कन शायद ही पहले कभी देखा होगा। इस विचित्र आकार के ढक्कन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सड़क पर किसी विशाल गटर के मुहाने को ढकना हो, तो इस प्रकार के विशाल गटर के मुहाने काफी फायदेमंद होते हैं। इस परिस्थिति में जब इन गटर में होने वाली समस्या को छोटे मुंह वाले कटर की तुलना में काफी बड़े बड़े उपकरणों को घुमाकर साफ करना होता है। इस प्रकार के ढक्कन को लगाने का तरीका बिल्कुल दूसरे गोल वाले ढक्कन की तरह ही होता है, और जब ये ढक्कन लगा दिया जाता है तो इसके ऊपर लगे तिकोने कवर को उठाकर गटर के मुहाने को खुला या बंद किया जा सकता है। अपने इस विशेष प्रकार के कारण ये ढक्कन हॉल से अलग नहीं होते और भारी से भारी वाहन के वजन को सहने में भी सक्षम होते हैं। बेटोन ब्लॉक। सरकार द्वारा होने वाले निर्माण कार्य जैसे फ्लाईओवर, रोड साइड ब्लॉक इत्यादि बनाने में काफी बड़े भारी भरकम कॉन्क्रीट की ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, जिन्हें बनाने का काम कुछ इस प्रकार की तकनीक के माध्यम से होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाने के लिए कंक्रीट के मिक्सर को इन विशाल प्लास्टिक के मॉडल में डाला जाता है और कुछ समय तक यूं ही कंक्रीट को इसमें छोड़ दिया जाता है, जिसके पश्चात एक निश्चित समय सीमा के बाद यह कंक्रीट ठोस हो जाता है और बेहद सटीक एवं मजबूत कंक्रीट का रूप ले लेता है, जिसके बाद इनका बड़े बड़े निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। वाटर जेट मशीन्स। पानी इतना अधिक शक्तिशाली भी हो सकता है, उसका एक उदाहरण आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं। यहाँ पर मार्बल के एक टुकड़े को इस मशीन के माध्यम से पानी की तेज धारा से काटने का प्रयास किया जा रहा है और आप देख भी सकते हैं कि पलक झपकते ये मशीन मानो मक्खी पर छुरी चलाने के समान कार्य करते हुए इस पत्थर के टुकड़े को बड़ी सरलता से काटती चली जा रही है। और पानी की तेज धार के माध्यम से पत्थर काटने का फायदा ये होता है कि आप इस पत्थर को हर प्रकार की गोलाई में बड़ी ही अच्छी फिटिंग के साथ काट सकते हैं। इनफेको। पेड़ की छोटी टहनियों को यूं तो कुल्हाड़ी या फिर छोटी दराती या आरी के माध्यम से काटा जा सकता है, लेकिन अगर फल प्रदान करने वाले पेड़ों को काटना छाटना हो तो कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। एक बार इसे शरीर के साथ असेंबल कर लेने के बाद किसान इसे प्रयोग कर सकते हैं खेतों में जाकर, जहां जैसे ही किसान इस मशीन के कैंचीनुमा मुंह का इस्तेमाल टहनियों पर करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी सरलता से इन टहनियों को काटा जा सकता है। ये मशीन पतली टहनियों को तो काट ही सकती है, लेकिन साथ ही मोटी टहनियों को भी काटने में ये काफी कुशल है। ये मशीन दरअसल हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करती है। जैसे ही किसान इस कैंची मुंह को टहनी पर रखता है तो बस मामूली सा प्रेशर लगाने से ये मशीन टहनियों को काट देती है, जिससे फल देने वाले पेड़ों का रखरखाव बड़ी सावधानी के साथ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा टूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।